हेलो फ्रेंड्स, 7 दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आपके पास? आइए चलिए उसको देखते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक पीओ के लिए, आरआरबी के लिए, एसएससी, सीएचएसएल, बीसीएस, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। डेविस कप में क्या रिजल्ट आया, कौन सा कंट्री जीता, किसको हराया, आज हम वो देखेंगे। और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या देखेंगे, अजाज पटेल ने कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, वो अंजू बॉबी जॉर्ज क्यों न्यूज में है, बिहार का को कौन सा अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। देखते हैं पहला न्यूज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट द 48th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 ITTF में कौन सा स्टेट को गोल्ड मेडल मिला है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर आसाम, राइट? तो आप एक बार सोचिए किसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करते रहें और बाकी मैं बताता रहूंगा, आपको आंसर तो मिलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज बिहार। जी हाँ, ITTF में गोल्ड मेडल अवार्ड इनको मिला, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, राइट? किस बात के लिए मिला है, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। द बिहार पेविलियन वन द 6th गोल्ड मेडल बाई शो केसिंग द स्टेट्स आर्ट एंड कल्चर रिचनेस थ्रू हैंडीक्राफ्ट लाइक मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा आर्ट, टेराकोटा, हैंडलूम्स एंड अदर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट एट ITTF 21। तो बिहार की एक स्पेशलिटी है मधुबनी पेंटिंग, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। क्या है ये मधुबनी पेंटिंग? कहा जाता है कि इसकी शुरुआत तो हुई है कोहबर से। कोहबर एक ऐसी जगह है, जगह होती है घर में जहाँ जस्ट शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को वहाँ रखा जाता है, वहाँ भेजा जाता है कोहबर। और उस रूम की जो पेंटिंग होती है जिसमें शिव पार्वती के शादी को प्रेजेंट किया जाता है, वही चीज बाद में मधुबनी एंड पेंटिंग एक आर्ट के फॉर्म में डेवलप हुआ, राइट? इसमें जो भी चीजें यूज होती है बड़े ही लोकल बेसिस पे, जैसे माचिस की तीली यूज करते हैं, लकड़ी का डंडी यूज करते हैं, कलर्स बड़े वाइब्रेंट होते हैं इसके, ठीक है, और पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें और भी इसमें क्या क्या डिपिक्ट होता है, जैसे होली का, बर्थ या मैरिज के बारे में, उपनयन, ये सारी चीजें इस पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट होती हैं, राइट? तो चलते हैं हम अगले न्यूज की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड एज द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? सो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक इंडियन को वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है। कौन है वो? अंजू बेबी जॉर्ज, सीमा पुनिया, पीटी उषा या चित्रा सोमन? एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज अंजू बेबी जॉर्ज। ये लॉन्ग जंप के लिए बहुत फेमस रही हैं और इनके बारे में और देख लेते हैं। लीजेंडरी इंडियन एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज हैज बीन बेस्टोर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। अंजू बेबी जॉर्ज मेड हिस्ट्री व्हेन शी वन द ब्रॉन्ज मेडल एट लॉन्ग जंप at the 2003 World Championship in Athletics in Paris. With this achievement, she became the first Indian athlete ever to win a medal in the World Championship in Athletics. Right? तो इनको ये अवार्ड मिला है और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और वह क्या अचीवमेंट रहा है आजाद पटेल का? आजाद पटेल बिकेम द थर्ड बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स। ही हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, राइट? तो किस कंट्री के हैं ये? नाम से तो लग रहा है या तो इंडिया, पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, किस कंट्री के लिए खेलते हैं। आंसर ऑप्शन सी, दैट इज न्यूजीलैंड के लिए। जी हाँ, इन्होंने 10 विकेट से इनिंग्स में लिया है। इसके पहले इंडिया के अनिल कुंबले ने लिया था, उसके पहले जिम लेकर ने लिया था 10 विकेट इन इनिंग्स। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। कितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया है? देखिए, ये प्रोजेक्शन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आता है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखना है। जैसे वर्ल्ड बैंक अगर ऐसा कोई रेटिंग देता है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोई रेटिंग आती है, RBI की कोई ऐसी रेटिंग आती है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रेटिंग होते हैं। और वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग को काफी तवज्जो दी जाती है, काफी इसको हाईली रेट किया जाता है। तो इसका क्या कहना है,
इंडिया के जीडीपी 2022 में क्या होगा, राइट? और यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये आंसर गलत है। यहाँ पे मैं जरा सा ठीक कर देता हूँ, ये आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज ये नहीं होगा, राइट आंसर विल बी सी, ठीक है, राइट आंसर विल बी सी 9.5%। तो अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। उम्मीद है अभी तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। नाउ टेक अवेज क्या है यहाँ पर, वो ध्यान देंगे हम। टेक अवेज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग हैज रिटेन्ड द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया अनचेंज्ड एट 9.5%। तो अभी तक जो उन्होंने पहले कहा था वही अभी भी स्टिक कर रहे हैं, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड 7.8% फॉर द ईयर एंडिंग 2023, राइट? तो आई बिलीव यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। और एक बहुत बड़ा एक न्यूज आ रहा है, और वो है डेविस कप में किस कंट्री ने क्रोएशिया को हराया है। तो क्रोएशिया रनर्स अप रहा है, जीता कौन है वो देखना है यहाँ पे। एंड द राइट आंसर इज रशिया। जी हाँ, रशिया जीता है इस बार का डेविस कप। ये बहुत ही, मतलब आप इसे यूं कह सकते हैं कि ये जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसके पैरेलल ही माना जाता है, या शायद उसके ऊपर ही इसकी रेटिंग होती है। इसमें एक कंट्री टू कंट्री रिप्रेजेंटेशन होता है, प्लेयर वाइज नहीं होता है, कंट्री रिप्रेजेंट करता है, और इसमें 18 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। रशिया जीता है और इसके टेक अवे इसमें काफी क्लियर हो जाएगा। रशिया वन द डेविस कप टाइटल ऑफ 2021 बाय डिफीटिंग क्रोएशिया आफ्टर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम डैनियल मेडवेडेव। जो फोटो आप देख लेना वो डैनियल मेडवेडेव का है, राइट? और इन्होंने जीता, और इस सीजन में तो इनका धमाल हो रहा है, डैनियल मेडवेडेव। ओके, रशिया विन इट फर्स्ट डेविस कप टाइटल सिंस 2006। काफी लंबे समय के बाद रशिया को ये जीत मिली है। नाउ द डेविस कप इज अ प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट, इट्स अ टीम इवेंट, नॉट इंडिविजुअल इवेंट, टीम इवेंट इन मेन्स टेनिस। इट इज रन बाई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एंड इज कंटेस्टेड एनुअली बिटवीन टीम्स फ्रॉम competing countries in a knockout format as per Wikipedia. Now number of teams participate karta world group mein 18 teams participate karta, sabse jyada title aaj tak United States of America ne jeeta hai, 32 titles. Russia ne abhi tak 3 titles jeeta hai, aur abhi recently bhi recent jeet ko mila karke 3 titles Russia ka hua hai. Hara kaun hai? Croatia, right? Now agla point aa raha hai, Simranjeet Singh, सुरेंद्र कुमार एंड विवेक प्रसाद वर गिवन द लेटेस्ट अर्जुना अवार्ड इन 2021 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच स्पोर्ट्स। तो ये सिमरनजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और विवेक प्रसाद किस खेल से रिलेटेड है, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, हॉकी या फिर बास्केटबॉल? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, हॉकी से रिलेटेड ये तीनों है, राइट? टेक अवेज में इस बार 35 प्लेयर्स को अर्जुना अवार्ड दिया गया। अर्जुना अवार्ड इज द सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट बीइंग द खेल रत्न अवार्ड। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं एक प्लेयर को। कुछ और प्रोमिनेंट पर्सन जिनको आउट ऑफ दिस 35, कुछ और प्रोमिनेंट प्लेयर्स कौन कौन है, शिखर धवन क्रिकेट के लिए है, अंकिता रैना को मिला है लॉन टेनिस प्लेयर है ये, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है, सुनील छेत्री हैज बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। ही इज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट्स, बहुत ही जाना माना चेहरा, बहुत ही प्यारा इंसान, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, बड़े ही अच्छे लगते हैं ये। और देखिए कितने हम्बल हैं, जबकि इनका रिकॉर्ड है कि लियोनेल मेसी से ज्यादा गोल्स, इंटरनेशनल गोल्स इन्होंने किए हैं, लियोनेल मेसी से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स इन्होंने किए हैं। आइए देखते हैं ये किस खेल से रिलेटेड है, ऑब्वियस हो गया है अब तक, ये आंसर है फुटबॉल। ये है 12 लोग जिनको कि इस बार खेल रत्न अवार्ड मिला है। प्लीज 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 ये ऑल 12 के बाद बारे में जानकारी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट? तो यहाँ पर इनका टेक अवेज यहाँ देखते हैं। तो 12 खेल रत्न अवार्ड दिया गया, 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, ये स्पोर्ट्स और गेम्स का हाइएस्ट अवार्ड है इंडिया का। सुनील छेत्री, इन्होंने 74 गोल्स किए हैं, हैज सरपास्ड अर्जेंटाइन सुपरस्टार लियोनेल मेसी टू बिकम द सेकेंड हाइएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। कैप्टन्स बोथ इंडियन सुपर लीग
ये बेंगलुरु को की एक टीम है जो इंडिया सुपर लीग के लिए आईएसएल के नाम से जाना जाता है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय टीम इंडियन नेशनल टीम के भी ये कैप्टन है, यानी इंडिया के फुटबॉल टीम के भी ये कैप्टन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड, वेन्यू ऑफ द 2030 मेंस टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू। आईसीसी ने रिसेंटली लिस्ट निकाला है, तो बारी बारी से मैं पूछता जा रहा हूँ, आपका रिकॉल हो जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा ये सारे पॉइंट्स का। तो 2030 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू क्या है? इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड? एंड द राइट आंसर इज डी, इंग्लैंड। राइट, टेकअवेज क्या है? आईसीसी हैज अनाउंस द 14 होस्ट कंट्रीज फॉर द आईसीसी मेंस व्हाइट बॉल इवेंट्स फ्रॉम 2024 टू 31। इंडिया इज सेट टू होस्ट 2029 चैंपियंस ट्रॉफी एंड को होस्ट 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप विद श्रीलंका। राइट, और 2031 का भी 31 आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ मिलकर के आईसीसी मेंस 50 ओवर टूर्नामेंट इंडिया कराएगा। ओके, नाउ अनदर टेक अवे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है 2024 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, यूएसए वेस्ट इंडीज, 26 का इंडिया श्रीलंका, 28 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 38 का 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तीनों मिलकर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में वैसे इंग्लैंड दिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट आता है आपको इंडिया का पहला स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड, मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट प्राइवेट इन्फाइनाइट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है फर्स्ट प्राइवेट इन्फाइनाइट कार्ड? राइट, तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन HDFC, ICICI, एक्सिस या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड द राइट आंसर इज ए HDFC। ओके, नाउ टेक अवे से IDFC, ओहो इट्स अगेन मिस्टेक ओवर हियर, प्लीज इसे ठीक कर लीजिए, छोटा सा चीज है, इट्स नॉट HDFC, IDFC, इट्स नॉट HDFC, सो इट इज IDFC, राइट, IDFC फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। राइट, टेकअवेज में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। IDFC फर्स्ट बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑफ फर्स्ट प्राइवेट इन्फाइनाइट कार्ड, सो फर्स्ट प्राइवेट इन्फाइनाइट विल बी द फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड ऑफ द कंट्री एंड विल बी मेड इन पार्टनरशिप विद वीजा, द ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स। वीजा के साथ मिलकर के शुरू कर रहे हैं, IDFC नॉट HDFC। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट बैंक रेट, ये बार बार मैं पूछता हूँ इसलिए कि ये बहुत लाइकली है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके जो बैंक PO एग्जाम्स होते हैं या बैंक से जो भी रिलेटेड एग्जाम होंगे उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब के बारे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई रेट पर क्वेश्चन रहता है। अगर आप बेहतर और समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख लें, वो पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पर वीडियो बना हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पूरी चीज़ों को समझाया हुआ है कि बैंक रेट क्या है और रेपो रेट क्या है, डिफरेंस क्या है और सारी बातों को। राइट, यहाँ पर देखते हैं, राइट आंसर इज 4.25% है हमारा प्रेजेंट बैंक रेट। नाउ CRR है 4%, SLR 18%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स RBI से लोन लेते हैं जिस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट उस रेट पे जिसमें RBI डिफरेंट बैंक से लोन लेता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये दोनों ऑन सेम रहता है इन रिसेंट ईयर्स, 4.25 है दोनों का। राइट, आई बिलीव कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डील कर लिया, आज तो स्पोर्ट से भरे पड़े हुए थे पॉइंट्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बट इसको सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, डेली का न्यूज आपको मिलता है, आप इसको दो बार तीन बार देख ले रोज, ये काफी होगा, होना चाहिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।